फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज का जो वीडियो है हम एनसीस के ऊपर करेंगे, एपीडीएल के ऊपर, बीम के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, जैसे हम बीम है तो बीम में ड्राइंग मोड में आता हूँ, तो बीम में आपको ये पता होना चाहिए जो मैं प्रॉब्लम बना रहा हूँ वो बेसिकली कौन सा बीम पे ऊपर है। तो बीम बोलते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो बीम होता है, राइट। तो इस तरीके से बीम होता है, तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट रहता है, ऐसे दो पिलर रहता है, राइट। तो इस तरीके से आपको दिमाग में एक आइडिया आता है ना, ये इस तरीके से बीम होता है। बट बेसिकली जो बीम होता है ना, वो एक टाइप का बीम नहीं है। टोटल जो है हम 6 टाइप का हम बीम यूज करते हैं, ठीक है। जो ज्यादातर यूज होता है, दो टाइप का बीम ज्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बीम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है आपकी कैंटिलीवर बीम, सबसे ज्यादा जो आता है, एक नंबर पे आता है कैंटिलीवर बीम। इसमें क्या होता है, एक इस तरफ से फिक्स सपोर्ट होता है और यहाँ पे एक बीम होता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट कहा, ये आपका फिक्स सपोर्ट होता है और यहाँ पे कुछ लोड होता है, ठीक है। इस तरीके से जो बीम होता है इसको हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक। अब दूसरा जो अपना बीम आता है बीम में, तो ये जो बीम होता है दूसरा होता है, जैसे ये बीम है तो यहाँ पे ये सपोर्टेड है, जैसे हमने सपोर्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे क्या होता है बताए, ये होता है बेसिकली आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब यहाँ पे आपका फिक्स लोड लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका रोलर लगेगा, रोलर रोलर सपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कौन सा वाला, ये और यहाँ पे तीन ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लेके ये रोलर वाला होता है, ठीक है। और ये फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, ऐसे होता है बीच में और ऐसे, इस तरीके से ये सिंबल बनता है, इसको याद रखना होता है। तो ये कौन सा हो गया, सिंपली सपोर्टेड, पहला वाला कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है। कैंटिलीवर बीम मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, यहाँ पे लिखना है तो लिख देता हूँ मैं, आपको नाम भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो एक होता है कैंटिलीवर, कैंटिलीवर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला कैंटिलीवर बीम। दूसरा वाला होता है सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड, SUPPORT, सिंपली सपोर्टेड। दूसरा वाला हो गया सिंपली सपोर्टेड। थर्ड वाला आता है आपका ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग ये होता है बिल्डिंग वगैरह लगता है, मैं बता देता हूँ क्या होता है ओवरहैंगिंग, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम एक बार पढ़ लेना बीम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। थर्ड आपका जो आता है, एक तो आपका आता है फिक्स बीम आता है, मतलब दोनों साइड से ये फिक्स रहता है, तो इसको मैं फिक्स ही लिखता हूँ, ठीक है, ज्यादा फिक्सिंग नहीं करूंगा। और जो लास्ट में आता है कैंटिलीवर प्लस सिंपली सपोर्टेड, मतलब दोनों होता है, एक होता है आपके कैंटिलीवर, एक साइड से कैंटिलीवर होता है, ठीक है, एक साइड से कैंटिलीवर हो गया एंड सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, सिंपली, थोड़ी मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया, सिंपली सपोर्टेड, पहले वाला स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है आपकी बीम का अलग अलग साइज जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, थीके? कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। तो ये होता है आपका अलग अलग टाइप का बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम समझ गया आपने, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखो आप, अभी ये जो मैंने बताया ना, इसके बारे में मत सोचो, सबसे पहले आपको ये देखो किस तरीके से हम सपोर्ट लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको मैं पॉज भी नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ आपको दिखाने के लिए, तो इसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हो गया आपका फिक्स बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम आपको समझ में आएगा, दोनों तरफ से मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं टेक्सिंग में आता, यहाँ पे मैं रोलर सपोर्ट नहीं लगा के सिंपली सपोर्ट भी लगा सकता हूँ। ये आपका कौन सा हो गया, कैंटिलीवर हो गया, ये सिंपली सपोर्ट हो गया, दोनों तरफ से मैं फिक्स लोड लगा सकता हूँ। और जो फिक्स बीम होता है तो दोनों तरफ से फिक्स होता है, जैसे फिक्स बीम होता है ना, ये दोनों तरफ से फिक्स होता है, ये आपका फिक्स बीम हो गया, ठीक है। जो कंटिन्यूअस बीम होता है, बेसिकली हम कंटिन्यूअस बीम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे देखो सपोर्ट भी अलग अलग होता है। तो आपका जो बेसिकली दो काम आएंगे ना, जो जो आपको बनाना होगा ना, वो एक होगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा होगा कैंटिलीवर बीम। ये आपके क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अगर मैंने इंजीनियरिंग करा होगा तो आपको पता है ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ठीक है। ओवर हैंगिंग फिर भी बता देता हूँ आपको, जो ओवर हैंगिंग ब्रिज होता है, बीम होता है ना, ऐसे होता है, यहाँ पे सपोर्ट होता है दो, तो ये हैंगिंग में रहता है। जैसे आप बिल्डिंग में साथ देखते हो ना, दो ऐसे पिलर लगा दिया या तीन पिलर लगा देते हैं, फिर यहाँ से जो 5 फुट होता है ना, 5 फुट हो गया, इधर से 5 फुट हो गया, वो निकल देता है, ये होता है ओवर हैंगिंग बीम होता है ये, ठीक है। इस तरीके से लगा के यहाँ पे शट बना देता है ऐसे, इस तरीके से, ठीक। तो ये होता है ओवर हैंगिंग ब्रिज में आता है। कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है, एक तरफ से हम कोई सपोर्ट लगा देते हैं, मान लो ये सपोर्ट लगा दिया, तीन तरीके से हम अलग अलग सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। एक तो आपका रोलर सपोर्ट, ये तो फिक्स ही रहेगा, इस साइड वाला तो फिक्स ही रहेगा, तो यहाँ पे हम रोलर भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक साइड में हम फिक्स भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या आता है आपके कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर सिंपली देखो, ये हो गया कैंटिलीवर, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड मतलब यहाँ पे हम एक सपोर्ट लगा देते हैं,
इस तरीके से आपको अलग अलग पहले बीम जो है पता होना चाहिए, आपका जो बीम है कौन सा बीम है। तो पहले क्वेश्चंस में ये देख लेना, जो आपको बीम बनाने दे रहा हो, जो आप बीम बना रहे हो वो कौन सा बीम है, ठीक है। अब जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चंस है, जो अभी मैं हम क्वेश्चंस करने वाला है, वो हम करने वाले हैं कैंटिलीवर के ऊपर, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम कैसे हो गया, कैंटिलीवर बीम आपका मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ड्रॉइंग मोड में आके। तो ये मेरा एक बीम है, ठीक है, ये मेरा फिक्स सपोर्ट है, स्ट्रेट होगा, ये मेरा बीम है। तो यहां से दो पॉइंट है, एक पॉइंट वन है, इसको जीरो मानते हैं, ठीक है, ये वन है, ये टू है। यहाँ पे कुछ लोड लगा रखा हूं मैं, और यहाँ पे भी मैंने लोड लगा रखा हूं, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में दो तरह से लोड लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लोड लगा रहा हूँ, करंट 2000, ठीक है, 20 एमपीए का लोड लगा रहा हूँ, एमपीए को हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 25 का लोड लगा रहा हूँ लपोज, ठीक है। और इसमें जो है पॉइजन रेशियो 0.3 कितना है, पीआर जो होगा आपका 0.33, ठीक है, ये होता है पीआर का। और ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा क्या लगा रहा है, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ नहीं डाल रहे, ये मतलब बीम है। जो बीम होगा, जो मैंने बीम दे रखा हो, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, बीम का अगर क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। बीम का जो मेरा ब्रेड है वो मेरा है 10, ठीक है, और जो हाइट है, अब 10 का यूनिट जो है कैसे करना है मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर में बताऊंगा। ये मेरा कितना का है, जो हाइट होगा ये भी मैंने 10 का ले लिया, ठीक है, 10x10 का मैंने यहाँ पे दे लिया। और ये जो है क्या क्या लिख लिया मेरे को, मैंने क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें टू पॉइंट्स है, टू की पॉइंट्स है, जिसमें से एक में आपका 20,000 और एक में 25,000 लोड लग रहा है, ठीक है। इसमें पॉइजन रेशियो होता है आपका, ये कॉन्स्टेंट होता है, 0.3 होता है, और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। और बाकी जो है कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। अगर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम लगाना है तो इसमें क्या करना है, दो तरीके से सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो हम कैंटिलीवर बीम करते हैं। अब आपको इजी करने के लिए इस वाले को हटा देते हैं, हम इस वाले को मैं हटा देता हूँ लाइक, ठीक है। तो इस वाले को मैं आपको इजी करने के लिए इस वाले को मैं हटा दे रहा हूँ। तो हम दो पॉइंट लगते हैं कैंटिलीवर में, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम होगा तो अलग अलग प्रेशर में हम डाल सकते हैं। तो अगर आपको अभी क्या है, पहले वाले में आपको क्या कराया था, मैं ट्रस के ऊपर कराया था, जो अब जो कराएंगे आपको बीम के ऊपर कराएंगे, तो बीम के बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी बीम की कॉन्सेप्ट कराएंगे, कैंटिलीवर बीम में अलग अलग सेक्शन के ऊपर डालना है, ठीक। सबसे पहले बीम में जाएंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रेफरेंस में, स्ट्रक्चरल लेना है, स्ट्रक्चरल में काम करेंगे, बीम स्ट्रक्चरल में आता है आपका, ओके कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्री प्रोसेसर में जाएंगे, एलिमेंट टाइम, एड एलिमेंट, एड एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट मिल जाएंगे। तो मैं बीम में काम करूंगा तो बीम में जाऊंगा, नोट, दो नोट पॉइंट आपका तीन है, जैसे मैंने यहाँ पे दो में कर रहा हूँ ना, तो मैं दो नोट पॉइंट लूंगा, तीन होगा तो मैं तीन लूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टू में ले लूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो एक आपका यहाँ पे क्या बन के आएंगे, बीम बन के आ जाएगा, ठीक है, ओके कर देते, इसको क्लोज कर दिया। एक मेरा क्या बन गया, बीम की मैंने एलिमेंट बना लिया। अब अपने को क्या जाना है, यहाँ पे रियल कॉन्स्टेंट मिलता है, रियल कॉन्स्टेंट में एड यहाँ पे ऑप्शन मिलती है आपको अलग अलग करने का। यहाँ पे मेरा एक ही सेक्शन है, ये जो ये होता क्या है बताए, अगर आपका एक बीम का स्ट्रक्चर अलग है और दूसरा बीम का स्ट्रक्चर अलग है, तो यहाँ पे दो सेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, समझ आए मेरी बात को। तो मेरा जो अभी बीम का जो सेक्शन है एक ही है, मतलब एक ही साइज का बनाऊंगा मैं, दो सेक्शन बनाऊंगा तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पहले आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने तो एक ही बीम में कराया, दो बीम कराऊंगा तो दोनों पॉइंट, मतलब पॉइंट वन में मेरा 20x यहाँ पे लिखा है ना, 10x10 है, पॉइंट टू में मान लो 15x20 है, तो वहां पे मैं 15x20 कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा मेटल प्रॉपर्टी, मेटल प्रॉपर्टी में जाने के बाद मेरे को क्या करना है, मेटल मॉडल, ठीक है, मेटल मॉडल, उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो मेरा ई एक्स जो है कितना है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2e5, ठीक है, e5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब 2d5 है, ठीक है, e5 मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे 0.33 जो है, मैं 0.3 का भी डाल सकता हूँ पॉइजन रेशियो डाल के, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। उसके बाद जो है मेरे को बीम जो है, बीम की सेक्शन, सेक्शन कहाँ आता है, जहाँ पे बीम होता है तब सेक्शन आता है ना, तो यहाँ पे सेक्शन में जाऊंगा, सेक्शन में जाऊंगा क्या है, मेरा सेल है, पाइप है, एक्सिस है, इसका आगे करूंगा, तो अभी मेरा बीम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके क्या करूंगा, बीम सिलेक्ट करूंगा, बीम सिलेक्ट, मैंने कॉमन सेक्शन क्या है, कॉमन सेक्शन है, टेपर सेक्शन है, टेपर सेक्शन, अगर टेपर में बीम होता है ना, जैसे बिल्डिंग में देखते हो कभी साइड में साइड निकाल देता है तो थोड़ा सा टेपर होता है, तो टेपर सेक्शन का यहाँ पे अलग सा होता है। तो हम जो है कॉमन सेक्शन, कस्टम सेक्शन में खुद से बनाना होता है, तो हम कॉमन सेक्शन में जाएंगे। देखो अभी जो बीम होता है, बीम हाइट और ब्रेड पूछता है, ठीक है, ये जो हाइट और ब्रेड है वो कैसे डिफाइन करोगे आप,
सब टाइप, कौन सा टाइप का बीम है यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक टाइप का आपका पास बीम है या इसको सिलेक्ट करना है। मैं मेरा जो है रेक्टेंगुलर बीम है तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेंट्रोइड मतलब सेंटर से डायमेंशन करना है कि किससे करना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, सेंटर से करना है, ऐसा सेंटर से, ओरिजिन से, लोकेशन से, मेरे को क्या है सेंट्रोइड से करना है। टाइप में भी अलग अलग टाइप है, जो भी सही है। ठीक है, इस तरीके से टेपर वाला है, सर्कुलर वाला है, सेल वाला है, सी वाला है, आई वाला है, एल एल वाला है, अलग अलग सेक्शन का भी बीम है। तो हम जो है ये वाला बीम यूज करेंगे। देखो अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। ब्रेथ मैंने आपको कितना बताया था, 10 का। ठीक है, और आपका जो हाइट होगा कितने का होगा, ठीक है, कितने इंच में डालेंगे हम, ये डालते हैं हम 10 इंच का। तो यहाँ पे देखो 10 बाई 10 का हम ले रहे हैं बीम। ठीक है, 10 इंच बाई 10 इंच का हम बीम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है इसको, फिर इसके बाद इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ओके कर दूंगा, बीम जो होता है, जो आपने बीम दिखा है उसकी सेक्शन बन जाएगा, मतलब उसकी सेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे सेक्शन मैंने ले लिया है, अब उसके बाद आते हैं आपके मॉडलिंग में। ठीक है, मॉडलिंग में जाएंगे, इसके बाद हम इसको यहाँ से आते हैं, फिर हम आएंगे मॉडलिंग पे। मॉडलिंग पे जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद क्या है, किस में जाना पड़ेगा, की पॉइंट चाहिए, लाइन चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, की पॉइंट चाहिए। मैं की पॉइंट में जाऊंगा, की पॉइंट जाने के बाद क्या करूंगा, इनएक्टिव सीएस, इनएक्टिव सीएस में जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग प्लेन होगा, प्लेन में काम करेंगे इनएक्टिव सीएस। देखो यहाँ पे की पॉइंट कितना है, तो पहले तो 0 0 रहेगा, दूसरा हम 1 में डाल देंगे। 1 में जाने के बाद कितना डिस्टेंस में, मान लो 250 डिस्टेंस में है, तो इसको ओके करके अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने बोलोगे 0 कहाँ चला गया मेरा, अब 0 भी सही है तो 0 भी ला सकते हो। मैं लाइन में जाऊंगा ना, देखो अभी उसके बाद लाइन में जाना है, लाइन में जाऊंगा, स्ट्रेट लाइन जाऊंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे दोनों के बीच में कोई लाइन अप्लाई करना, लेकिन मेरा यहाँ पे क्रैश हो गया, मैंने स्क्रॉल कर दिया इसको, मैं दोबारा दिखा देता हूँ इसको इतना करके आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बना लिए थे। अब देखो मॉडलिंग से बता रहा हूँ, मॉडलिंग में जाऊंगा तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे इनएक्टिव चाहिए। मॉडलिंग किस में करूंगा, पहले मेरे को लाइन चाहिए, की पॉइंट चाहिए, मेरे को की पॉइंट चाहिए, की पॉइंट डालना पड़ेगा। इनएक्टिव सीएस में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं 0 डालूंगा, 0, और यहाँ पे भी 0, या 1 को 0 0 में डाल दो, मतलब 1 है तो इसको 0 में डाल दो। ठीक है, 1 आ गया पॉइंट। उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे 2, और जितना डिस्टेंस में है मान लो 250x में वैल्यू डाल लो। ठीक है, अप्लाई कर दूंगा, तो देखो 2 पॉइंट आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 1 पॉइंट 1 डालना है या 0 डालना है, या दूसरे को 0 डालना है, 1 डालना है, आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, एक इसमें रह जाएगा, एक इसमें रह जाएगा। उसके बाद लाइन स्क्रोल मत कर देना, स्क्रोल कर दोगे ना तो ये सारा चीजें यहाँ से चले जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी देखो ये मेरा क्या है, कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में लाइन में जाऊंगा, लाइन लाइक ए स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन में 1 और 2 सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। पिक मोर एंटिटी, 1 में सिलेक्ट कर दिया, 2 ईएस को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने तो मॉडलिंग में 2 पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अपने वो करना क्या पड़ेगा, इस केस में ना थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ये क्या है, बीम में ना मेशिंग करना पड़ता है। देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ड्रॉइंग मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये जो मेरा बीम है, कैंटिलीवर बीम है ना, ठीक, यहाँ पे कैंटी लिख देता हूँ मैं, मेरा कैंटिलीवर जो बीम है, ये जो पॉइंट है ये मेरा 1 है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट 2 है। अब 2 में लोड लग रहा है, ठीक है, कितना एम्पीयर का लोड लग रहा है, 20,000 का लोड लग रहा है, और ये मेरा फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि कैंटिलीवर बीम है तो सीधा समझ लें, कैंटिलीवर बीम मतलब कि एक साइड में आपका फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, दूसरा साइड से लोड लगेगा। सिंपली सपोर्ट में होता तो क्या होता, सिंपली सपोर्ट होता तो आपको क्या होता कि हाँ दोनों साइड से सपोर्टेड है, तो लोड जो है इधर लगेगा ये बीच में, ये फिक्स है। समझ आए ना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो वो चीजें है आपको समझने, ड्राइंग बनाते समय वो दिमाग में रख के बनाना है। वो चीजें अगर दिमाग में नहीं रखोगे तो ये चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक आपको ये पता करना है कि मेरा कौन सा है कैंटिलीवर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सिंपली सपोर्टेड, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होता है, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, ये जरूर देख लेना। और ये देख लेना कि कहाँ रोलर सपोर्ट लग रहा है, कहाँ पे हिंज लग रहा है, और हिंज भी होता है, हिंज सपोर्ट का आपको पता नहीं है, हिंज सपोर्ट भी होता है, रोलर सपोर्ट भी होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, ये 3 सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रोलर लग रहा है, कहाँ पे हिंज लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो केस वाला है आपका कैंटिलीवर वाला कैसे, ठीक है। उसके बाद मेशिंग करना होता है, जैसे बीम होता है इसका 250 mm, 250 mm नहीं, 250 जो है इसकी लेंथ है, 250 मतलब कितना हो गया। अब यूनिट का बात आता है, अगर आपका यूनिट अगर मीटर में है तो इसको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। तो ये आपके यूनिट कौन सा है, ये यूनिट डिफाइन कर लेना है पहले आपको, मैं कौन सा यूनिट में काम कर रहा हूँ, मीटर में है, फीट में है, इंच में है, फीट में होगा तो फीट करना पड़ेगा, मीटर में होगा सबको मीटर में ले जाना पड़ेगा, इंच में होगा तो सबको इंच में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इंच में काम कर रहे हैं, तो सभी इंच में देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, अभी देखो मेरे, अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ तक हो गया मेरा काम, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। अब मेसिंग में आना है, मेसिंग में जाऊंगा, मेस टूल में जाऊंगा, मेस टूल जाने के बाद ये मेरा क्या है, लाइन है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेट करूंगा, लाइन पर जाके लाइन को सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्शन हो रखा है, लेकिन मेरे को 10 सेक्शन में काम नहीं करना है, मैं इसको सेक्शन को बनाऊंगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट डिवीजन, ये जितना ज्यादा बनाओगे इतना फाइन आपकी रिजल्ट आता है। इसको जो है मिनिमम जो है मैं 20 सेक्शन करूंगा, 20 सेक्शन करने के बाद ओके कर दूंगा। तो देखो ये 20 सेक्शन में कन्वर्ट हो गया ना, तो यहाँ पे सारा चीजें हट गया। तो हट जाने से आपको क्या करना होता है, कुछ अगर चीजें यहाँ से चला जाता है तो प्लॉट में जाके मल्टीप्लॉट कर दोगे तो वो सारा चीजें आ जाएंगे। तो नंबरिंग हट गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, नंबरिंग में जाना है, नंबरिंग यानी की पॉइंट नंबर जो है, लाइन नंबर जो भी सही आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे देखो लाइन एन वाला आ गया, की पॉइंट नंबर आपका ये आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। अब बैकग्राउंड में जो चीजें है, अब बैकग्राउंड में क्या है, कुछ चीजें छुपा हुआ है, तो इसमें नाम क्या है, रेसिडेंट, तो इसमें आप इसको ला सकते हो, इन केस ये चला जाता है ना, तो आप मैच टूल में दोबारा क्लिक करके यहाँ पे जाके मैच कर सकते हो सबको, एक क्लिक करा इसको फिर अप्लाई कर दो, ये मैच हो गया, ओके। फिर क्या करना है, प्लॉट मल्टी प्लॉट। अब देखो ये मैचिंग वाला क्वालिटी है, पहले कैसा था अब मैचिंग हो रखा है, तो ये चीजें होना जरूरी है। अगर बीम में मैचिंग नहीं करोगे तो बीम का कोई मतलब नहीं है, बीम में मैचिंग करना पड़ता है, बीम में सेक्शन देना पड़ता है, प्लस में हमने कोई ना मैचिंग करा है ना सेक्शन दिया है। यहाँ पे 3D एलिमेंट होता है, 3D मतलब कि एक्स वाई जेड सही है, यहाँ पे मेरा लेंथ है, यहाँ पे हाइट है, इसमें मेरा विड्थ है, तो इसके में क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी सेक्शन देना पड़ेगा, जहां पे सेक्शन दोगे वहां पे मैचिंग भी देना पड़ेगा, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ तक आपको चलो समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है आपको, जो बीम है हम जो है अलग अलग तरीके से बना रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके हिसाब से हम बना रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ा डिटेल में, आप आपको ये जानना है, सॉल्यूशन में जाऊंगा मैं, यहाँ पे खत्म हो गया मेरा मैशिंग का, यहाँ पे मेरा कोई नंबर कुछ काम नहीं है, लोड्स वगैरह मैं यहाँ पे दूंगा नहीं, सॉल्यूशन में लोड दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन में जाऊंगा, एनालिसिस टाइप, न्यू एनालिसिस, स्टैटिक है, मॉडल है, हार्मोनिक है, ट्रांजिएंट है, स्पेक्ट्रम है, इलन बगलिंग है, ये होता क्या बेसिकली, स्टैटिक लोड, मॉडल एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस, स्टैटिक लोड मैंने जहाँ पे स्टैटिक होता है, जहाँ ऑटोमोबाइल मोड होता है वहाँ पे मॉडल एनालिसिस करना पड़ता है, हार्मोनिक करना पड़ता है, मॉडल और हार्मोनिक हर एक ऑटोमोबाइल मोड में करना पड़ता है, हर एक ऑटोमोबाइल मोड में करना पड़ता है, ट्रांजिएंट, स्पेक्ट्रम, इगन बकलिंग, ठीक है। ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोड होता है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मॉडल कौन सा है, हार्मोनिक कौन सा है, मॉडल और हार्मोनिक में डिफरेंस क्या है, हर एक ऑटोमोबाइल करते हैं, एक नंबर ऑफ टाइम के डिफरेंस में होता है, ठीक है, और एक कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी जो है मैं स्टैटिक कराऊंगा, हार्मोनिक और मॉडल जो है आगे किस कराऊंगा, जो आपकी एनसीसी वर्कबेंच है उसमें जो है मैं इसको बढ़िया से समझाऊंगा, क्योंकि आपने देखे होंगे एक ब्रिज था यूएस में जिसमें ये सारा एनालिसिस हो रखा था, जिसमें इसने ट्रांजिएंट एनालिसिस नहीं करा था, तो ब्रिज जो होगा वो लोड की वजह से टूट गया, 1990 के बाद काम सेट है, 1993 या 1990 केस है, यूट्यूब में देखोगे वो भी मिल जाएगा आपको, वो उस इसके वजह से हुआ था। तो ये आपको जरूर करना है, तो टाइप ऑफ एनालिसिस, कौन से टाइप ऑफ एनालिसिस कर रहे हो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑटोमोबाइल काम नहीं है, तो हम ना मॉडल करेंगे ना हार्मोनिक करेंगे, ट्रांजिएंट एक नंबर ऑफ टाइम के डिफरेंस में होता है, नंबर ऑफ डिफरेंस कहता है एक नंबर ऑफ लोड लगता है, एक पर्टिकुलर लोड लगता जाता है, कोई होता है एक बार लोड लगता है, फिर कोई होता है कंटिन्यूअसली एक टाइम के बाद में लगता रहता है, तो ये वो भी मेरे यहाँ पे नहीं है। स्पेक्ट्रम का जरूरत नहीं, इलन बकलिंग क्या होता है, एक मैसिव लोड लगता है, सडन इम्पैक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम इलन बकलिंग, यहाँ पे जरूरत नहीं है वो चीजें, इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको दिमाग से निकाल दो, ये मैं आगे बताऊंगा, स्टैटिक में आऊंगा, आने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं, थोड़ा बात करता हूँ तब तक मैं डिटेल में घुस जाता हूँ, आगे बात करेंगे इसके बारे में, अभी वो करवाना पड़ेगा आपको, तब जब जब करवाएंगे तब ये चीज के बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम जाएंगे लोड में, ठीक है, डिफाइन लोड में जाएंगे, डिफाइन लोड, ठीक है, अप्लाई में जाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चरल में है, किसमें जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल में जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, फोर्स प्रेशर, देखो ये चीजें है, प्रेशर जहाँ पे रोटेशन होता है, फोर्स लगता है, और यहाँ बीम है,
ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट जाऊंगा मैं, पहले मैं डिस्प्लेसमेंट में जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट में जाके क्या करना है, ऑन की पॉइंट देना है कि नहीं, ऑन की पॉइंट देना है। पॉइंट ऑन को सिलेक्ट करके क्या करना है आपको, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। क्या लग गया यहाँ पे, फिक्स सपोर्ट। ऑब्वियसली बात है कैंटिलीवर भी में, तो एक साइड पे फिक्स सपोर्ट लगाना है आपको, ठीक है। तो दूसरे में आते हैं, तो दूसरे वाला होगा आपका कौन सी लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा। यहाँ पे जाएंगे ऑन नोट्स, ऑन की पॉइंट कौन सा लेंगे, की पॉइंट नंबर दे रखा भाई, की पॉइंट होगा। यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एफ वाई, वाई मतलब ये देखो वाई, ये डायरेक्शन है ना, वाई ऊपर है, तो यहाँ पे माइनस में देना पड़ेगा। माइनस कितना लोड देना है, 25,000 मैंने ड्रॉइंग में बनाया था ना, हाँ 25,000 बनाया था, तो 25,000 दूंगा यहाँ पे, अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो लोड नीचे डायरेक्शन में होगा। तो अब आपको जो बीम है ये आपको पता लग गया। पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर वहां पे डायग्राम बना दे रखा है तो वेल एंड गुड है कि डायग्राम है, बट इफ देयर इज नॉट एनी डायग्राम, सो यू हैव टू एज्यूम। एंड देखो जब भी मिलता है ना, ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन मिलता है, ट्राई टू मेक ए ड्रॉइंग, ओके। वहां पे एक साइड में ड्रॉइंग बना लो, ड्रॉइंग बनाने से आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखा ड्राइंग बनाओगे ना इस तरीके से, तो पहले आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको पता लग गया कि मेरे को किस हिसाब से बनाना है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस मिलता है इंटरव्यू में, ये अगर आप इस लाइन में जा रहे हो तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ये बीएम में कितना कितना होगा, ये क्या होगा, तो सीधी सी बात है, एक ड्रॉइंग क्वेश्चन को पढ़ो, साइड में एक ड्रॉइंग बना लो, ये ऐसा ऐसा ड्रॉइंग है, बीम कौन सा है, उस वाली बीम में कैसा होता है, इस वाली बीम में कैसा होता है, उसको देखो, एक साइड में ड्रॉइंग बना लो, ठीक है। तो देखो एक तो आपने बीम समझ लिया, अब उसके बाद आपको समझना पड़ेगा लोड। अब देखो लोड भी वो चीज है, लोड भी कितना होता है, देखो जो आपके बीम होता है ये सिंपली सपोर्टिव बीम है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बीम है ना, कैसे मतलब बीम जो है ये कंटिलीवर बीम है, लोड कौन सा दे रहा है, किसी पॉइंट में दे रहा हूँ, ठीक है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक होता है यूडीएल लेयर मतलब यूनिवर्सल यूनिवर्सल पार्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, एक होता है आपकी यूनिफॉर्मिंग फेरिंग लोड, मतलब लोड जो है यूनिवर्सली आपका अलग अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर 10 का लोड लग रहा है, यहाँ पे 30 का लोड लगता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली फेरिंग लोड। एक होता है अर्बिटरी लोड, अर्बिटरी लोड में क्या होता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, ये होता है अर्बिटरी लोड। एक जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट इसी पॉइंट में मैं लोड डाल रहा हूँ। एक होता है यूडीएल, यूडीएल मतलब यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे जितना 10 का लोड लग रहा है, यहाँ पे भी 10 लगेगा, इस पॉइंट में भी 10 लगेगा, इस पॉइंट में भी 10 लगेगा, यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ पे भी 10 लगेगा, तो वो होता है यूडीएल। तो ये भी देख लेना कि लोड आपका कौन सा है, यूडीएल है, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, या आपका यूनिफॉर्मली फेरिंग लोड है, या अर्बिटरी लोड है, ठीक है। तो ये बीम के साथ आपको ये लोड भी देखना है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा लोड हो गया, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट लोड हो गया, अब या पॉइंट लोड भी बोल सकते हो या कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोल सकते हो। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होगा, एक बार ड्रॉइंग बना के दिखूंगा तो समझो समझ में आएगा। किसी स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर आप जो है ऐसे ड्रॉइंग बना के दिखा दो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ये बीम है, ठीक है, सिंपली कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हर जगह में इक्वल लोड पड़ रहा है ना, इक्वल लोड पड़ रहा है हर जगह में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू डी एल, यूनिफॉर्मी या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। अगर ये मेरा बीम है तो किसी पॉइंट में दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट लोड, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलेंगे। ये होता है यूनिफॉर्मली फेरिंग लोड, ठीक है। ये मेरा बीम है, तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो रखा है, तो ये जो लोड हो रहा है इस तरीके से लोड लग रहा है, यहाँ पे कम लोड लग रहा है, यहाँ पे कम ज्यादा लग रहा है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, इस तरीके से जो लोड लगता है ना, इस तरीके से जो लोड लगता है ना, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली फेरिंग लोड, मतलब यूनिफॉर्मली फेर यूवीएल, इसको बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली फेरिंग लोड। एक होता है आपकी कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, इसमें क्या होता है, मोमेंट लगता है। अब क्या आ गया, मोमेंट आ गया ना, थोड़ा सा चीजें जो है तब बन गया है। अब मोमेंट में क्या होता है, मोमेंट का सिंबल होता है इस तरीके से उल्टा जो है वो बनता है, क्वेश्चन टाइप का वो बनता है, उसको बोलते हैं मोमेंट हम, ठीक है। मोमेंट में क्या होता है, जैसे कोई एक बीम होता है, जैसे मेरा ये मान लो ये बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से फिक्स सपोर्ट दे रखा हूँ, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे मेरा रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है, लोड़ा सपोर्ट लिख लो, मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोड लगेगा इधर, यहाँ पे मैं इतना एरिया में ना, इतना कुछ 5 मीटर के आसपास मेरा यूडीएल लग रहा है, यूडीएल मतलब समझ रहे हो ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है।
और यहाँ पे मेरा स्टैटिक लोड लग रहा है। अब देखो यहाँ पे यूडीएल या स्टैटिक है, ठीक है, तो अगर इसमें सर मैं मोमेन ऐड करूंगा ना, अगर ये मैं मोमेन ऐड कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सीधा पॉइंट लोड लगाऊंगा, मतलब मान लो ये मेरा ऐसा है, यहाँ पे मैं पॉइंट लोड लगाऊंगा ना, तो ये कुछ बेंडिंग होने के बाद ऐसे बेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट लोड है, इस एरिया में पॉइंट लोड है, इस में पॉइंट लोड है, तो ये मोमेंट बहुत काम का है। काम का मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल बना रहता है, लेकिन मोमेंट इंपॉर्टेंट है। समझ आए मेरी बात को? मुझे लगता है लास्ट वाला नहीं समझ में आया है, तो मोमेंट के बारे में अभी मत समझो, आप लोड के बारे में समझ लो, बीम के बारे में समझ लो, ठीक है। मोमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे, मोमेंट में क्या होता है, कहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है, इसमें इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है मोमेंट की वजह से, तो वो भी आप हम बाद में समझेंगे। अगर हम यूडीएल लगाते हैं, जैसे ये हमारा लोड है, यहाँ पे अगर यूडीएल लग रहा है तो ये कुछ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, तो ये आपको देखना है किस तरीके से कौन सा चीजें कहाँ पे बैंड हो रहा है। पॉइंट लोड समझ गया, यूडीएल समझ गया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड समझ गया आपने, और यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट वगैरह भी आपने समझ गया। मोमेंट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, पढ़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं, इसकी वजह से आपका बीम कैसे स्ट्रक्चर में बनेगा वो मैंने आपको दिखा दिया। मोमेंट देता हूँ तो देखो यहाँ पे लोड है, यहाँ पे ज्यादा लोड, यहाँ पे मोमेंट दे रहा हूँ तो ये इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोलर है, ये आगे बढ़ेंगे, इसकी वजह से कितना एमएम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। यूडीएल कहाँ पे कितना एमएम, यूडीएल का बाद में बताएंगे आपको कितना यूडीएल लगाना है, कहीं पे फिक्स पॉइंट सपोर्ट भी लगा, पॉइंट लोड भी लगाएंगे, कहीं पे यूडीएल भी लगाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसके में समझना ये है कि मैं बीम सिखा रहा हूँ, बीम में आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। क्लियर है भाई? मोमेंट, ठीक है, मोमेंट अगर कहीं पे मोमेंट लगाते हैं, लोड नहीं लगाते तो क्या होगा, एजिटिस रहेगा, वो तो सिंपली सी बात है ना। आपको क्या निकालना पड़ता है ना, एक बार बुक कर लेना, एक बुक खरीद लेना, बुक का नाम मैं दे दूंगा, मेरे से पूछ लेना, मैं बुक दे दूंगा, वो बुक पढ़ लेना, उसमें बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें बहुत आपको पता होना है। आपको जब भी कोई ड्रॉइंग बनाते हो ना, तो आपको उसका डायग्राम बना, जब हमने इंजीनियरिंग करा था ना, हमने ये सब डायग्राम बनाना पड़ता है, ये सब दे रहा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, वो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस डायग्राम के हिसाब से आपको मार्क मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको पता होना पड़ेगा। चलो ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको, इतने में खत्म कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, लोड लगा दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया, इतना कितने का फोर्स चाहिए वो मैंने लगा दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा मैं फिर यहाँ पे रिजल्ट ट्रैकिंग, एसी मैनेजमेंट, लोड स्टेप, यहाँ पे आपके पास, उसके बाद डिफाइन में अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रक्चर में हो गया। स्क्रोल मत कर देना, मैंने गलती से यहाँ पे स्क्रोल कर दूंगा ना वो खत्म हो जाएगा। फंक्शन में गया, ठीक है, लोड स्टेप ऑप्शन में मैं यहाँ पे गया, रीड एलएस फाइल, हाँ यहाँ मिल जाएंगे। इसके जाने के बाद इसको जो लोड स्टेप फाइल नंबर है इसको 1 डाल देना, राजनेट एक्सिस, ओके, इसको मैं यहाँ पे 2 नंबर पे डाल दूंगा, ठीक है। लोड कमांड इग्नोर 0 है राजनेट एग्जिस्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रीड नहीं राइट करना है आपको, इसको ओके कर देना, ठीक है, रीड नहीं करना है, राइट एलएस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे जाके सॉल्व में जाके करंट एलएस, और इसको जाके हम यहाँ पे ओके कर देंगे, सॉल्यूशन इज डन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको करना है, किस तरीके से हमने सॉल्यूशन डाला है तो आपको पता लग गया है, क्या क्या चीजें आपको पता करना है, सॉल्यूशन मतलब इतना चीजें मैं सॉल्यूशन कर लिया। अब इसको हम 3D में देखेंगे, इसकी हम एनिमेशन भी करेंगे। अब एनिमेशन करेंगे भाई, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है, एनिमेशन में आपको बहुत कुछ चीजें पता लग जाएगा क्या क्या करना है। ये मैंने आपको बीम का कराया, ठीक है, अब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम कराया, और अगली वाले केस कराऊंगा, थोड़ा अलग कराऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको पाइप का कराऊंगा, और एक केस या दो केस करा के फिर मैं आपको जो है वर्क बेंच में ले आऊंगा। वर्क बेंच बहुत सीखने का चीज है, ठीक है। एपीडीएल भी बहुत है, क्योंकि आप एमटेक में जितना भी प्रोजेक्ट होता है ना, एमटेक लेवल करने जाते हो तो सारा चीज तो आपको एपीडीएल में करना पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत आपको पता भी होना चाहिए किस तरीके से आप बनाओगे या क्या क्या चीजें करोगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम काम कर रहे हैं ना, तो इसकी जो है यहाँ पे वैल्यू बनते जाते हैं, तो बाद में सेव करते हो ना, तो आपको सेव करके उसको रख दिया, अगर मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। तो उसके बाद जो है यहाँ से सॉल्यूशन के हम आ जाएंगे जनरल प्रोस्पेक्टस में आ जाएंगे। इसमें आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्लॉट रिजल्ट डिफॉर्म शेप में जाके डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। देखो ये जो आपका लोड है किस तरीके से ये फेरी हो रहा है, समझ रहे हो ना, किस तरीके से ये फेरी हो रहा है। अगर इसको हम
पॉइंट में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे शेप एंड स्टाइल कहाँ मिल गया, शेप एंड स्टाइल में यहाँ मिलेंगे शायद, नहीं यहाँ पे शेप स्टाइल, स्टाइल में जाएंगे, साइज एंड शेप में जाएंगे, इसको हम ऑन करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इसमें भी देख सकते हो, अगर 3D में देखना है तो आप इसमें भी देख सकते हो, क्योंकि आपने जो बीम का साइज दिखाया था ना, आपने 10x10 का दिया था राइट, 10x10 का दिया था। यहाँ पे प्लॉट में जाके की पॉइंट है, की पॉइंट जो है इसको ऑन कर देना है, तो यहाँ पे की पॉइंट की ओर की कर सकते हो। यहाँ पे प्लॉट में जाके मल्टी प्लॉट कर दूंगा, ठीक है, तो मल्टी प्लॉट कर दूंगा तो मैं यहाँ पे बीम का साइज निकाल सकता हूँ, मेरा जो बीम है किस तरीके से बन के आ रहा है। तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जाऊंगा कॉन्ट्रोल प्लॉट नोडल सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे डी ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, डी ऑफ सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से हम इसको हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर इसको एनिमेशन देखना है ना, यहाँ पे मैं जाने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेट में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल देंगे डिफॉर्म रिजल्ट, डिफॉर्म शेप, जो भी सही है आपको यहाँ पे कितने सेकंड के लिए सही है ओके कर देते हो, तो ये एनिमेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते, ठीक है, आप देख पा रहे हो कितना जो है यहाँ पे लोड हो रहा है, कितने में यहाँ पे प्रेशर पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम जो है डिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सामने, लेकिन इसको मैं यहाँ से जो है कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोज करके। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जाऊंगा नोडल सॉल्यूशन में जाऊंगा, जाने के बाद यहाँ पे जो है स्ट्रेस में जाऊंगा, स्ट्रेस में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्म में से स्ट्रेस ये देखना होता है ना, तो आप यहाँ से ही देख सकते हो। अगर इसकी एनिमेशन करना है तो आप यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे जाके इसको मोटरसाइकिल में देख के कितना है डिफॉर्म यू डिफॉर्म जो भी सही है आपको, है ना, डिफॉर्म शेप, यहाँ पे जाके हम इसको एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। एनिमेशन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे को कितना लोड में कितना आ रही है डीएमएक्स, तो मेरे को यहाँ पता लग जाएगा। मैं इसके कलर शेडिंग के साथ भी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कलर शेडिंग के साथ कैसे देखूंगा, इसके लिए भी आपको एक मैं इलाज दे रहा हूँ। रुको, प्लॉट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे एनिमेट में जाऊंगा, एनिमेट जाने के डिफॉर्म रिजल्ट में चले जाना, कौन सा सही डी ऑफ सॉल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर सम सही है, यहाँ पे जाके आप इसकी एनिमेशन कर सकते हो। अगर इसकी एनिमेशन करोगे आप इसकी रिजल्ट भी देख सकते हो। लोड कहाँ लग रहा है, मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा, देखो आप डीएमएक्स देखते हो, एसएमएक्स देखते हो, तो यहाँ पे आपको लोड वगैरह यहाँ से सीधा आप निकल सकते हो। तो आपको यह दिखाएंगे जो पॉइंट टू है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना एमएम का आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो सारा चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कोई कोई लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, जब आप कुछ चीजें बनाने दोगे तो ये आपको ये भी पूछता है कि आप जैसे ये बनाते रहते हो नोजल सॉल्यूशन में जाते हो, इसका जो होता है फन मसल स्ट्रेस कितना होगा, तो आप जो है यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे निकाल सकते हो कौन सा सही, इलेक्ट्रिक स्ट्रेन चाहिए, प्लास्टिक स्ट्रेन चाहिए, क्रीप क्या होता है, एक लंबा टाइम के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है उसको क्रीप डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल स्ट्रेन कितना हो रहा है, तो ये सारा चीजें आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो हम जो है यहाँ पे मैक्सिमम केस में एक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हम देंगे आपके जो रिजल्ट में देना है, उसके बाद में आप स्ट्रेस में जाओगे, स्ट्रेस में जाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल दोगे, सेकंड थर्ड प्रिंसिपल दोगे, स्ट्रेस इंटरनेशनली दोगे और फर्म सिस्टर, ये सब आपको सारा चीजें यहाँ पे शो करना होता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है जरूरत नहीं है, अगर पूछते हैं तो यहाँ पे आप वो सोल्यूशन जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये तरीके से आप इसकी सारा जो है एनिमेशन वगैरह करके देख सकते हो, कहाँ पे कितना लोड पड़ रहा है, इनिशियली कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सारा चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से इसकी आप जो है जो भी पहलू चाहिए यहाँ पे निकाल सकते हो, अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है कैप्चर इमेज कर लेना है और वैल्यू आपको मिल जाएंगे यहाँ के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया है। अब आपने वो क्या करना है, जब आप भी इसकी ड्राइंग बनाओगे, तो इसका मैं फ्रंट व्यू कर लेता हूँ, जब भी इसकी आप ड्राइंग बनाओगे आप अलग अलग कर लो, आप एक काम कर लो, एक होमवर्क ले लो मेरी तरफ से, इसको सबमिट कर लेना, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं, पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पे हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं, और यहाँ पे हम इस अभी यूजीएल तो आप नहीं कर पाओगे अभी, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो पॉइंट लोड है ना, इसकी जो पॉइंट लोड है ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दे देना, ठीक है, इसको हटा देना, ये डायरेक्शन चेंज कर दो इसको, अब इसकी लोड दे दो इस तरफ से दे देना और इसको अलग डायरेक्शन में दे देना, इसको आप फिक्स सपोर्ट कर दो, इसको रोलर सपोर्ट कर दो, इसको आप कर दो रोलर सपोर्ट, ये होमवर्क से आपको करके दिखाना है मेरे को, ठीक है, तो ये मेरा रोलर सपोर्ट हो गया और ये मेरा फिक्स सपोर्ट हो गया, ये मेरा हो गया फिक्स सपोर्ट, आपके लिए ये होमवर्क है। और यहाँ पे जो लोड है ये आपका है 200 MPa का है, और एक ठीक है, और इधर भी हम लोड ले देंगे, यहाँ पे भी हम इसमें लोड दे देंगे 250 का डाल दो, इसको एक बार करो, ठीक है, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है तो आप एक बार देखो, देखने के बाद मुझे बताओ इसमें क्या क्या कैसे कैसे होगा, शेप क्या आ रहा है, डीएमएक्स क्या है, एक एक चीजें मुझे स्क्रीनशॉट बना के वो देख लो, ठीक है।
इसको बना के एक बार मुझे बताना, और फैक्टर प्लॉट वगैरह में आप काम कर सकते हो, ये होमवर्क कर लेना। फैक्टर प्लॉट वगैरह देखो कहाँ पे क्या चीज़ और काम आता है आपका। फैक्टर प्लॉट होता है इसके हम प्री डिफाइन वगैरह में क्या सही है, स्ट्रेस सही है, तो हम वो भी चीज़ें निकाल सकते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, ये फैक्टर प्लॉट होता है। तो इसमें भी आप फैक्टर प्लॉट में क्या क्या देख सकते हो, कौन सी वाली में कितना लोड लग रहा है, डिफ्यूजन में कहाँ हो रहा है, ब्लू में कितना हो रहा है, रेड में कितना हो रहा है, यहाँ पे फैक्टर प्लॉट में निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको दिखा सकते हैं, फैक्टर में दिखाएगा, सिंपली सी बात है। ये भी देखो इस तरीके से लोड भी दिखाना पड़ता है, अगर मांगते हैं ना, अगर आपको वहां पे मांगते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। बहुत ही ये है, मैंने पहले इसमें क्वेश्चंस नहीं बनाए तो इसलिए थोड़ा सा कम का बन रहा है, नहीं तो एक इसको मैं अगर एक लाइव कराता हूँ तो 1 घंटे से ऊपर बन जाता है वीडियो। जो पहले क्वेश्चंस को लिखाता हूँ, लिखने के बाद जो है इसको बोल बोल के फिर डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के समझा रहा, तो थोड़ा सा वीडियो कम टाइम का बन गया, लेकिन जब लाइव लेता हूँ 1 घंटा 15-20 मिनट का बन जाता है क्लास में। ठीक है, तो इसको बेहतर बनाना है ना, अगर इसमें ये भी सही है तो ये भी बना सकते हो, और आपका अलग से आता है यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट व्यूअर, रिजल्ट व्यूअर में आप इसकी रिजल्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, कितना कितना सेकंड में कितना कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो लोड स्टेप कितना है। ठीक है, तो इसके बाद में आप इसके रिजल्ट व्यूअर भी देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है अलग से एलिमेंट टेबल, उस दिन बताया था मैंने आपको। ठीक है, राइट रिजल्ट में कितना रिजल्ट में सही है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है इतना। एक आपका एक काम का है बता देता हूँ, सेशन एडिटर। सेशन एडिटर जो होता है आपका काम का होता है, जैसे यहाँ पे व्यू में 111 डाला है, कितने की पॉइंट डाला है, 00 इसमें 010 डाला है, तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू चेंज करके भी इसको अपडेट कर सकते हो। 10 का डाला था, इसका मैं 10 का डाला था। ठीक है, इसको अगर सेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज करके सेव कर दो, तो इसको भी इस तरीके से भी आप इसको मतलब हटा सकते हो, काम करके सकते हो। तो इस तरीके से देख लेना, और कहीं पे कुछ चीजें पूछना होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, इसको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से इसको एनिमेट कर देता हूँ। एनिमेट में जाऊंगा, डिफॉर्म रिजल्ट में जाऊंगा, जाके डिस्प्लेसमेंट फैक्टर सही है, स्ट्रेस में जाके अगर एक्स में स्ट्रेस देखना है, वाई में देखना है, फास्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस देखना है, तो यहाँ पे जाके ये भी देख सकता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे 3D में आ जाओगे, आइसोमेट्रिक में आके भी यह भी कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बैकग्राउंड पे वो तो लाने के लिए इसको यहाँ से ला सकते हो, तो आइसोमेट्रिक कर देता हूँ। रुको, करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद एनिमेट डिफॉर्म शेप, ओके, लो देख रहे हो कहाँ कहाँ लोड लग रहा है, किस तरीके से आपके होगा। देखो फिक्स सपोर्ट ये है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, आप देखो यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम जनरेट हो रहा है, हम स्ट्रेस देख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा, इस एरिया में होगा। ठीक है, डिफॉर्म कौन सा होगा, अगर डिफॉर्म में दिखेंगे तो ये वाला रेट दिखेगा, तो ये होता है तरीका लिखाने के लिए कहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा क्या नहीं होगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गया मैं, आने की बात प्लॉट में गया, एनिमेट में गया, डिफॉर्म रिजल्ट, रिजल्ट में जाने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू सम वेक्टर, ओके कर देता हूँ। देखो अभी रेट कहाँ पे है, ये डिफॉर्मेशन है, और वो क्या है, स्ट्रेस है। अब पता लग गया ना, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सारा चीजें आप नहीं पढ़ोगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि डिफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कहाँ होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस क्या है ना, ये पहले क्लास में बताया था, तो आपने शायद देखा नहीं होगा या मेरे को पूछा भी नहीं होगा। इससे जब पूछोगे तो बहुत सारा, पहले पढ़ो, पहले बुक को पढ़ो, बीम के बारे में कर रहा हो तो बीम के बारे में पढ़ो, ट्रस्ट के बारे में करा मैंने आपको, ट्रस्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और नोट भी बनाना पड़ेगा, कितना टाइप का बीम है, लोड कितना टाइप का है, कहीं पे मोमेंट लगाऊंगा, लोड नहीं है तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, मैं अगर रोलर सपोर्ट लगाऊं क्यों लगाते हैं हम, फिक्स सपोर्ट क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें जब पढ़ोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, एनिमेट में गया, एनिमेट डिफॉर्म रिजल्ट में गया, रिजल्ट जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन देख रहा हूँ, टोटल स्ट्रेन। ठीक है, टोटल स्ट्रेन में देख रहा हूँ कहाँ पे टोटल स्ट्रेन बन रहा है, देखो। ठीक है, देख रहे हो ना स्ट्रेन कहाँ पे जनरेट हो रही है, तो स्ट्रेन भी इधर से आप देख सकते हो। बेसिकली एनिमेट में गया, डिफॉर्म शेप, टाइम हार्मोनिक देखना है, टाइम हार्मोनिक इसमें हम देखते नहीं है, मोड शेप देखना है, डिफॉर्म रिजल्ट में जाके आपको जो भी देखना है, एनर्जी स्ट्रेन, और अपने क्या क्या है इसमें देखते हैं, कैस्केड कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे बस आपको स्ट्रेस चाहिए, डी ऑफ सोल्यूशन चाहिए, यूनिशन फैक्टर चाहिए, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो अभी होमवर्क आप कर लेना, और ये जो चीजें है उसकी एक एक जो है पीडीएफ की जो स्नैपशॉट लेके मेरे को रिवाइड कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मेरा मेल फुल रहता है तो व्हाट्सएप भी कर देना अब। तो ठीक है, समझ में आ गया, कुछ चीजें पूछना है तो पूछ सकते हो, और ये मेरा सेशन है, सेशन को मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ।
क्लोज करनी है, इसको फोटो निकाल लेना है ऐसे करके, के बाद इसकी फोटो ले लेना मैक्सिमम जो है। एनिमेशन में डायरेक्ट मत जाना, आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, सीधा यहाँ पे जाना है, जो भी जाना है कंट्रोल में जाना कि यहाँ से फोटो लेना है इसको बनाने के। एनिमेशन में जाओगे ना तो आधा ऐसे रहेगा, तो ये सही नहीं आएगा रिजल्ट में। नॉर्मल सेलेक्शन में गया आपने, क्या सही है आपको, डी एफ सेवन सही है, डिस्प्ले फैक्टर सही है, ओके सही है। अब उसकी स्नैपशॉट ले लेना, स्नैपशॉट कहाँ से लोगे, ठीक है यहाँ पे जाने के बाद क्या है कैप्चर इमेज ले लेना, उससे करोगे ना तो जहाँ पे स्टॉप करोगे वो उतना ही दिखाएगा, पूरा कंप्लीट नहीं दिखाएगा, तो यहाँ से इसको कर लेना। ठीक है इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिनिश करोगे तो यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। ठीक है तो यहाँ से आपका जो है जितना भी हो है वो फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। जो भी पूछना है आप पूछ लेना, कॉल करना है, व्हाट्सएप में पूछना है, और मुझे मेरे लगता है मैंने सारा पॉइंट कवर कर लिया है, फिर भी कुछ चीज़ें डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। तो इतना ही रखते हैं, इसको जो होमवर्क दे रखा है उसको जरूर कर लेना, इसको करने से आपको कॉन्फिडेंस भी बनेंगे, और जो ये एक एक स्टेप है ना जैसे जैसे मैंने बनाया उसको लिख लेना, मतलब कॉपी में ना लिख के जाना, लिख के जाना क्या क्या है, क्या तरीका से कहना है। जैसे मैंने पहला प्री प्रोसेसर लिया, प्री प्रोसेसर नंबर वन डाल दिया, उसके बाद क्या क्या स्टेप लिखा वो स्टेप लिख दिया, फिर मैंने सोल्यूशन डाला, सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या मैंने पॉइंट डाला, क्या क्या नोट डाला, तो उसका लिख लेना, ऐसे करके एक अपना नोट बना लेना। तो इन फ्यूचर कभी भी जरूर दिक्कत हो ना तो वहाँ पे जाके सीधा लिख सकते हो। और ये जरूर लिखना कि 19 में होगा तो कैसे होगा, 15 में होगा तो कैसे होगा, मैं ये भी बताता हूँ, तो वो वाला पॉइंट भी जरूर लिख लेना। कभी आप क्या 15 में तो काम नहीं करोगे, कभी कभी 20 में भी काम करना पड़ सकते, 19 में भी काम करना पड़ सकते, तो उस केस में कैसे करोगे। तो ये स्टेप याद कर लेना, आगे भी काम आएगा। ठीक है चलो बना के जरूर दिखाइए मेरे को, है ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।